नमस्कार, देश दुनिया की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन से पश्चिम बंगाल बाहर रहेगा, ऐसा निर्णय करने वाला बांग्लादेश देश का पहला राज्य बन गया है। केंद्रीय बजट में घोषित 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा की सुविधा देने की सरकार की यह योजना मोदी केयर के नाम से मशहूर है। राष्ट्रीय रक्षा महायज्ञ के जरिए बीजेपी देश में 2019 से पहले राष्ट्रवाद के जरिए माहौल अपने पक्ष में करने की तैयारी में है। इसके लिए लाल किले के पास यज्ञ होना है, लेकिन बुधवार को उससे पहले जल मिट्टी रथ यात्रा निकाली जाएगी। इस यज्ञ के लिए 108 यज्ञ कुंडों के निर्माण के काम की शुरुआत होगी। घाटी में लगातार बढ़ रही आतंकी घटनाओं के बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। रक्षा मंत्रालय ने एक बड़े फैसले के तहत मंगलवार को 15,935 करोड़ रुपए के पूंजीगत खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इनमें सशस्त्र बलों की शक्ति को और मजबूत करने के लिए 7,40,000 असॉल्ट राइफलें, 5,719 स्नाइपर राइफलों और लाइट मशीन गनों की खरीद शामिल है। बिहार में अगले महीने 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में तालमेल को लेकर राजद और कांग्रेस के बीच तकरार पैदा हो गई है। कांग्रेस ने भभुआ विधानसभा सीट पर अपना दावा ठोका है, तो राजद ने कहा है कि वह तीनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अमेरिका के खुफिया प्रमुख ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकी समूह भारत के भीतर हमले जारी रखेंगे और ऐसे में दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने का खतरा है। इसराइल की पुलिस ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ रिश्वत लेने, धोखाधड़ी करने के मामले में मुकदमा चलाने की सिफारिश की है। पुलिस की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि भ्रष्टाचार के मामले में नेतन्याहू पर मुकदमा चले या नहीं, यह फैसला अब अटॉर्नी जनरल को करना है। अमेरिका का पाकिस्तान को लेकर कड़ा रुख लगातार जारी। अमेरिका ने एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप तैयार किया है, जो इस बात पर नजर रखेगा कि कहीं पाकिस्तान दुनिया के आतंकवादी संगठन को आर्थिक मदद तो नहीं पहुंचा रहा है। एशियाई और अमेरिकी बाजारों से मिले अच्छे संकेतों से शेयर बाजार की शुरुआत आज बढ़त के साथ हुई है। कारोबार की शुरुआत में आज सेंसेक्स 136.51 अंक यानी 0.40% बढ़कर 34,436.98 पर और निफ्टी 46 अंक यानी 0.44% बढ़कर 10,585.75 पर खुला। मेजबान साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ वॉन्डरर्स मैच को जीतने के साथ ही 6 मैचों की सीरीज में अपनी उम्मीदें एक बार फिर जिंदा कर ली हैं। वहीं भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका की सरजमी पर पहली वनडे सीरीज अपने नाम करने के लिए अब और इंतजार करना होगा। इंटरनेट सेंसेशन बन चुकी प्रिया प्रकाश का वीडियो वायरल होते ही उनका फेसबुक पेज वेरीफाई हो गया है। प्रिया प्रकाश ने खुद ही सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को ये जानकारी दी है। पिछले 2-3 दिनों से प्रिया प्रकाश फेसबुक से लेकर ट्विटर हर तरफ छाई हुई हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए ईएमएसटीवी के साथ। नमस्कार। जेनावन सेल्स, घरेलू आटा चक्की की शानदार रेंज, घर का आटा, शुद्ध आटा, घर में ही पीसे, मिलावट से बचे। जेनावन सेल्स, नियर भारत टॉकीज, फर्स्ट फ्लोर, हमीदिया रोड, भोपाल।